बड़ी खबर दतिया से मिल रही है। दतिया अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने, 6 दिसंबर शौर्य दिवस की पूर्व संध्या पर आज पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च एडिशनल SP कमल सिंह मौर्य के नेतृत्व में पुलिस कंट्रोल रूम से निकाला गया, जिसमें SDOP दतिया सुमित अग्रवाल, TI कोतवाली रत्नेश यादव सहित कोतवाली सिविल लाइन थाना चिरूला जिगना आदि थानों का बल भी शामिल रहा। गौरतलब है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। तब से 6 दिसंबर को हर साल शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस से फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सावधान करती है। दतिया से ब्यूरो चीफ अंकित जैन की रिपोर्ट। फ्लैग मार्च किस उपलक्ष्य में निकाला गया है? देखिए, कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। इस अवसर पर कई बार कुछ असामाजिक तत्व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और इस प्रकार के तत्वों में पुलिस का खौफ बना रहे और आम दिन में सुरक्षा का विश्वास पैदा हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। कल भी हम लोगों की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, बहुत सारी पेट्रोलिंग पार्टीज और अलग अलग फिक्स पॉइंट्स लगाए जाएंगे और लगातार हमारी पूरी गतिविधि पर नजर रहेगी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सर कौन कौन से थाने की पुलिस शामिल रही है? इसमें हमारे सारे शहर के थाने रहे हैं, बड़ौनी है, सिविल लाइन है, कोतवाली है, लाइन का पोस्ट था, हमारे 2 SDOP साहिबान हैं, टोटल 15 गाड़ी लगभग रही थी।